हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय YT चैनल हेयर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको Redmi 9A इंडिया के न्यू अपडेट की पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि हमें उसमें कौन कौन से न्यू फीचर्स यहां पर देखने के लिए मिल जाते हैं। और Redmi 9A इंडिया में यहां पे MIUI 12.5 और Android 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट हमें कौन से महीने तक यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। तो आज की इस वीडियो में Redmi 9A के ऊपर पूरी इन्फॉर्मेशन के हम बात कर लेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आपने मेरा अभी तक YT चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब जल्दी से मेरा YT चैनल सब्सक्राइब भी कर दीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को अब हम यहाँ पे शुरू कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे Redmi 9A इंडिया के लिए एक न्यू अपडेट 15 फरवरी को रोलिंग आउट होना स्टार्ट हो गया था। इस अपडेट का साइज़ केवल 131 MB का देखने के लिए मिल गया था। तो ये अपडेट MIUI 12 पर ही बेस्ड है और Android 10 पर बेस्ड 12.0.22.0 का इंडिया स्टेबल अपडेट है। इसमें हमें जनवरी मंथ का यहाँ पे सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात है। और हमें ग्लोबल स्टेबल में 12.5.2.0 एंड्रॉयड 11 एनहांस का अपडेट मिला था। उस अपडेट का साइज़ 1.8 GB का था, क्योंकि वो अपडेट यहाँ पे एंड्रॉयड 10 से एंड्रॉयड 11 और MIUI 12 से 12.5 एनहांस का हमें देखने के लिए मिल गया था। तो उस वाले अपडेट में भी हमें जनवरी का ही सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने के लिए मिल जाता है। तो अब इंडिया में 12.5 एनहांस का अपडेट और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द यहां पे रिलीज़ होने वाला है, क्योंकि ग्लोबल स्टेबल चाइना स्टेबल में ऑलरेडी आ चुका है। और इस अपडेट में जो भी प्रॉब्लम्स हमें पिछले वाले अपडेट में 21.0 में देखने के लिए मिलती थी, वो वाली प्रॉब्लम्स 12.0.22.0 इस वाले अपडेट में पूरी फिक्स हो चुकी है। पूरी लैग, हैंग जो भी इशू था, तो अब 12.5 एनहांस और एंड्रॉयड 11 को देने में Redmi 9A में हमें कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगी, जो कि एक बहुत ही बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि Redmi 9A इंडिया में ये MIUI 12.5 एनहांस का अपडेट एंड्रॉयड 11 के साथ कौन से महीने तक यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। तो ग्लोबल स्टेबल चाइना स्टेबल में ऑलरेडी आ चुका है। चाइना में 12.5.4.0 एनहांस का अपडेट चल रहा है एंड्रॉयड 11 के साथ, और ग्लोबल स्टेबल में 12.5.2.0 का चल रहा है एंड्रॉयड 11 के साथ, और ये भी यहाँ पे एनहांस का ही अपडेट देखने के लिए मिलता है। और Redmi 9A ग्लोबल में दो MIUI 12.5 एनहांस के अपडेट आ चुके हैं, 12.5.1.0 और 12.5.2.0। और आप स्क्रीनशॉट में देख रहे हैं, इसमें Redmi 9A में 12.5.2.0 का अपडेट ही इंस्टॉल्ड है, और इसमें हमें जनवरी का सिक्योरिटी पैच लेवल यहां पर देखने के लिए मिल जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बात हमें देखने के लिए मिल जाती है। तो यही थी आज की वीडियो की। यहां पे Redmi 9A ग्लोबल स्टेबल में तो एनहांस का अपडेट आ चुका है, तो अब इंडिया में भी बहुत ही जल्द आ जाएगा। इंडिया में लेटेस्ट अपडेट अभी के लिए 12.0.22.0 का एंड्रॉयड 10 पर बेस्ड इंडिया स्टेबल अपडेट चल रहा है 131 MB में। तो अब 1.8 GB का साइज़ में अपडेट Redmi 9A इंडिया में भी बहुत ही जल्द यहां पर रिलीज़ हो जाएगा, जैसे कि हमें ग्लोबल स्टेबल में देखने के लिए मिला है। तो यही थी आज की वीडियो Redmi 9A से रिलेटेड, कि इंडिया में 12.5 एनहांस और एंड्रॉयड 11 का इंडिया स्टेबल अपडेट बहुत ही जल्द यहाँ पर रिलीज़ हो जाएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आप मेरे YT चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर लीजिए और शेयर भी कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।